बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग से शेयर करेंगे फिश बिरयानी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार बनती है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिश बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 किलो मरेल फिश ले लेंगे। अब हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ एक प्लेट में हम 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 टीस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून नींबू का जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस मसाले को फिश के पीसेस पर लगा देंगे। फिश के पीसेस पर अब सारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम 1 किलो बासमती चावल को 3 पानी से अच्छे से धोकर रखे हैं और इसमें पानी डालकर रखे हैं इसे भीगने के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, फिश अब अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और तेल गरम होने के बाद हम इसके अंदर फिश के पीसेस डाल देंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करने के बाद हम इसकी साइज चेंज कर देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइज चेंज कर देंगे। अब हम इसे तीसरी साइड से 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब फिश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फिश के पीसेस फ्राई कर लेंगे। अब सारे फिश के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। यहाँ एक पैन में हम 200 ग्राम तेल ले लेंगे। अब इसके अंदर 5 छोटे इलायची, 2 तेज पत्ते, 2 बड़े इलायची, 1/2 टीस्पून शाह जीरा और 2 दालचीनी के चकली और 5 लौंग डाल देंगे। 1 सेकंड तक इसे सॉटे कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से चॉप करके रखे हैं, हम इसे डाल देंगे। अब हम प्याज को लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। टोटल हम 1 कप कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप पुदीना ले रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा गार्निशिंग के टाइम पे डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के रॉ स्मेल निकले तक हम इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकल चुकी है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। इस तरह से काटे हम हरी मिर्च को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर टमाटर सॉफ्ट हुए तक हम इसे भूलेंगे। देखिए तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको ऑफ कर लेंगे। यहाँ हम एक वेसल में पानी ले लेंगे। 1 किलो चावल के लिए हम यहाँ 3 लीटर पानी ले रहे हैं। इसके अंदर हम 3 तेज पत्ते ऐड कर देंगे, 2 दालचीनी के चकले, 3 इलायची, 5 लौंग, 2 बड़े इलायची और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, 1/2 टीस्पून शाजीरा, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून नींबू का जूस, 2 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम इसे कवर कर देंगे और उबाल आए तक हम इसे पका लेंगे। अब पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए बासमती चावल डाल देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। 80-90% तक चावल गले तक हम इसे पका लेंगे। 80-90% तक ही हमें चावल को गलाना है और बीच बीच में हम इसे चकरते रहेंगे। चावल 80-90% तक अब गल चुका है। अब हम इसमें का पानी निकाल देंगे। अब हम यहाँ एक लगन में 1 लेयर चावल की डालेंगे और 1 लेयर रखने की डालेंगे। अब इसके ऊपर फिर से चावल की लेयर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर फिश के पीसेस रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई करी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ हम 3 से 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज को डीप फ्राई कर रखे थे। अब इसके ऊपर और थोड़ी सी यखनी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। टोटल हमने इसके ऊपर 4 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है। अब हम स्टोव ऑफ कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। फिश बिरयानी अब बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मजेदार बनेगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पर न्यू है या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।